सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जो शाओमी का सबसे पहला स्मार्टफोन था इंडिया में जो कि था मी 3, जो कि शाओमी का फ्लैगशिप सीरीज आप उसे बोल सकते हो। मी 3 के बाद आया था मी 4 जो कि बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। फिर मी 5 आया, फिर मी 6 आया। बट गाइज, अभी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर मी 7 के बारे में। मी 7 के कुछ लीक्स और रूमर्स यहाँ पर निकल के आए हैं लेटेस्ट, तो सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ और आपको बता दूँ कब ये लॉन्च हो सकता है, क्या कुछ आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है, प्राइसिंग क्या रह सकती है और इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। तो गाइज, हर चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज, मी 6 तो इंडिया में नहीं आया था, बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। बट गाइज, यहाँ पर बताया जा रहा है मी 7 बहुत ही जल्दी आपको दिखने मिल जाएगा। और गाइज, यहाँ पर ये लॉन्च होने वाला है MWC 2018 में, जो कि है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो गाइज आपको बता दूँ ये फॉरेन में एक इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। वहाँ पर हर कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, हर चीज़ वहाँ पर अपना जो नया जो टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन लॉन्च होता है, हर चीज़ वहाँ पर वो लाते, शोकेस करते, पूरी दुनिया को दिखाते कि भाई हमने ये स्मार्टफोन लॉन्च करा है। और जो कि बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो रिपोर्टर से लेके हर यूट्यूबर और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं कवरेज करने के लिए। तो एक इवेंट रहता है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि मी 7 उसे लॉन्च कर सकते हैं शाओमी वाले। और गाइज, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इससे पहले भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन और ये स्मार्टफोन के बारे में बता रहा हूँ, तो गाइज हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन कुछ चेंज भी हो जाए, हो सकता है कि सेम टू सेम ऐसे भी रहे। बट गाइज, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं 50-50 आप इसे पकड़ के चलो। बट गाइज, बताना मेरा काम है, इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना मेरा काम है। गाइज, बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के बिल्ड और डिज़ाइन की। तो बिल्ड और डिज़ाइन आपको मी 6 में जैसा कि देखने को मिला था, फ्रंट में और बैक में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा और बीच में मेटल की फ्रेम रहेगी, जो कि अगेन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी आपको मी 7 में देखने को मिलेगी। गाइज, यहाँ पर जो इसका हाइलाइटिंग फीचर रहने वाला है वो है इसका डिस्प्ले। गाइज, यहाँ पर लीक्स और रूमर्स में जो इमेजेस वगैरह आई है जैसे कि आप देख ही सकते हो, गाइज यहाँ पर आपको 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि शाओमी का मी सीरीज आप बोल सकते हो मी 5 मी 6 में मतलब पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो के साथ में देखने को मिलेगा। और गाइज, जो बेजल है आपको टॉप में और बॉटम में बहुत ही कम मिलेंगे, या आप बोल सकते हो एकदम बेजल लेस ही डिज़ाइन है जो कि इमेजेस वगैरह में रेंडर के लीक्स के हिसाब से दिख रहा है। अगर ये ऐसे ही शाओमी यहाँ पर इसे लॉन्च करता है तो गाइस वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस ये शाओमी का बन सकता है। स्क्रीन साइज की बात करा जाए तो बताया जा रहा है 5.7 इंच का डिस्प्ले रहेगा या 5.99 इंच का डिस्प्ले रहेगा। और जो रेजोल्यूशन रहने वाला है वो आपको 2K देखने को मिल सकता है, बताया जा रहा है हो जाए, क्योंकि शाओमी के जितने भी फ़ोन है गाइस 1080p रेजोल्यूशन के साथ में आते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपको 2K क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिल जाए। बात करते हैं गाइस, एक चीज़ कंफर्म मैं आपको बता सकता हूँ, गाइस यहाँ पर जो इसका प्रोसेसर रहने वाला है वो कंफर्म कर दिया शाओमी ने, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर, जो कि 835 से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपको मी 7 में हो सकता है वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 845 देखने को मिल सकता है, ऐसा शाओमी ने क्लेम करा था। बात करते गाइस यहाँ पर इसके कैमरास की, तो गाइस जैसे कि इमेजेस वगैरह में दिख रहा है आपको ये बार वर्टिकल लाइन में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, आईफोन 10 जैसा ही देखने को मिलेगा। बट गाइस, मोनोक्रोम सेंसर रहता है, टेलीफोटो लेंस रहता है या वाइड एंगल लेंस रहता है दूसरा वाला कैमरा, वो तो अभी तो आपको बता नहीं सकता हूँ। बट बताया जा रहा है कि 16+16 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट फेसिंग कैमरे के अभी तक कुछ लीक्स रूमर्स नहीं आए, ये 5 मेगापिक्सल रहता है, 8-13 जो भी रहता है वो तो आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। और बताया जा रहा है यहाँ पर आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, एज वेल एज गाइज फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। और गाइज, यहाँ पर एक सैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर भी आपको 3.5mm हेडफोन जैक का नहीं मिलेगा, या आप बोल सकते हो इसे मी 6 की तरह यहाँ भी रिमूव कर दिया गया, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए सैड न्यूज़ है, हो सकता है ऐसा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 3.5mm हेडफोन जैक यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो गाइज, ये थे कुछ लीक्स और रूमर्स यहाँ पर शाओमी मी 7 के। प्राइसिंग की बात करते हैं तो गाइज, यहाँ पर बताया जा रहा है ये चाइनीज़ में जो वेबसाइट लीक कर रही थी गाइज, वहाँ पर आपको 2999 yuan मतलब इंडिया का कन्वर्ट करें तो गाइज 29,000 से 30,000 की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल सकता है। और रैम वेरियंट की बात करें तो गाइज, यहाँ पर बताया जा रहा है दो स्टोरेज में ये लॉन्च हो सकता है, 64GB और एक 128GB। और गाइज, रैम आपको 6GB और 8GB देखने को मिल सकता है। क्या ये फ़ोन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा? तो गाइज, इंडिया का तो अभी तो कुछ निकल के नहीं आया क्योंकि मी 6 भी नहीं आया। बट गाइज, मैं मेरी ओपिनियन की बात करता हूँ, वो सब लीक्स और रूमर्स को छोड़ दो, मुझे लग रहा है कि मी 7 यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि गाइज शाओमी ने अपना मी मिक्स 2 भी जो कि बहुत ही 36
37,000 का स्मार्टफोन था, वो भी लॉन्च करे तो Xiaomi OnePlus को और Huawei को टक्कर देने के लिए यहाँ पर Mi 7 अगर अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता है तो यहाँ पर इंडिया में भी लॉन्च कर सकते हैं और एग्रेसिव प्राइसिंग पे यहाँ पर लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली Mi 7 भी ये साल का बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप किलर बन सकता है। बट देख लेते हैं Xiaomi Mi 7 में हमें आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है। तो गाइस ये तो थी कुछ लीक्स एंड रूमर्स, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं और आपको बता दूं क्या कुछ आपको Xiaomi के फ्लैगशिप में ये साल देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।